दिन कैसे हो आप सब लोग। हम तो उठ चुके हैं। मुझे वही याद आ गया। अगर आपका पता नहीं कि देखो गुरु अक्षय ओरी। अब भाई हम उठ चुके हैं, अब करेंगे काम। अब देखते हैं कैसे क्या करते हैं। नहीं अभी आज मैं छुट्टी पे हूँ तो क्या कुछ नया करूँगी। नया मैं ये सोच रही हूँ भाई, ये देख रहे होगे आप अभी कितने सारे शूज मैंने हाथों से धोए यार। हाथों से धोने के बाद मैंने मतलब गर्म पट्टी बांधनी पड़ी हाथ पे, इतना दर्द हो गया। कुछ नया काम करने में मैं आपकी साथी नहीं रहूंगी, याद रखना। क्यों जो कर रहे हैं अपने आप खुद छेड़ छेड़ लेना। ऐसा करोगे अब मेरे साथ? बिल्कुल वो जो जूते धोए ना वो लगाने हैं रैक साफ करके ना। लगाओ, बिल्कुल लगाओ, फिल्म बनाएंगी। अब उसने धो तो दिए मैंने, यार मम्मी एक बार जूते धो के गा रहे हो। गा नहीं दे। देखो आप ही देखो, आप लोग देखो इतने जूते हैं। इन जूतों को देख के ना मतलब लक्ष्मी तो मना कर दिया, बोली मैं अपने अपने धोऊंगी, मतलब अपने अपने दो दो जोड़ी। इसका पापा कह रहा मैं अपने धो लूंगा, तो अपने भी नहीं धोए इनने, फिर सारे छोड़ के चलते बने, फिर मैंने धोए खुद से वो सारे। नहीं दिखाएगा कोई कि उसके बदले में रोटी बनाई थी। फिर क्या होगा, रोटी एक दिन तरह रोटी बना दी। मैं मतलब रोटी भी बनाती हूँ, मैं घर के तो सारे यार मम्मी काम, उसके बदले हम जूते तो धो रहे थे। तो जूते तो ना धोए नहीं, जूते थे सिर्फ अपने अपने दो थे, ना कि मेरे गोलू के या औरों के। अपने अपने धो तो कम तो होंगे तो ये कुछ। क्या फायदा हुआ, बस ठीक है काम करो तो सारा करो, मैं जब मैं करती हूँ मैं सबका करती हूँ। आज मैं बनाऊंगी भाई चटनी, ये धनिया और पुदीना है। अब इसमें देखो धनिया की बनेगी या पुदीने की चटनी, किसी की बनाऊंगी अभी पता नहीं। और थोड़े से अभी चाय वगैरह के बर्तन हैं, ये दूंगी। बर्तन वर्तन साफ कर दिए, किचन साफ कर दिया है। अब मैं लगाऊंगी आटा। और बच्चे क्या कर रहे हैं? अक्सर कर रही है बैठ। ठीक भाई तो जिंदगी मुझे कभी चादर बिछानी नहीं आएगी। कल मैंने ना इस चादर पे ना जिसे पेंसिल छिड़के मिलके गिर गए। मैंने सोचा झाड़ के बिछाती, ठीक है इधर की तरफ से तो इतनी इतनी दबा दी, उधर की साइड से दबाने के कुछ बचा ही पहले नहीं। उधर उसको ले रही आटा। और आज मैंने बनाई है चटनी, टमाटर प्याज धनिया पुदीना भाई लहसुन भाई मिर्च देखो सब कुछ। ये देखो, मतलब सोच सकते हो इतना धनिया मैं अपने हाथों में पकड़ के लेके आई हूँ। इतना सारा धनिया मम्मी को कल मैंने बताया ना। मैंने कल मम्मी को बताया करिए धनिया धनिया, क्योंकि इसको पसंद नहीं है ना, ये घर में मेरे को पसंद नहीं, मैं फिर भी धनिया ले आई, तो इस वजह से कह रही है कि मैं अपने हाथों में पकड़ के लाई। वो भी तो पापा का यो कौन से पुमाड़े इसका डब्बा बांट रहा था। चीर हरण करके इसका जूते निकाले गए थे, पापा ने निकाल के लाए थे। पापा ऑनलाइन ही मंगवाए थे ये। हाँ ये देखो भाई जूतों की सेल, अगर आपने खरीदना है तो संपर्क करें, आपने खरीदना है संपर्क करें 9021 9021 पे। ये देखो इतना बड़ा रैक है पर इसमें जूते आते क्यों नहीं। जूते ज्यादा है आते तो मैं ऐसे पन्नी बंद बंद कर पता नहीं किसे और। ये देखो चार पांच जोड़ी जूते इस पन्नी में आ सकते हैं, तो क्या 15-20 जोड़ी इसमें नहीं आ सकते? डब्बे वाली इसमें यहीं रख दो नहीं। संपर्क करें हमें अगर आपने खरीदने तो। ये तो कुछ नहीं है अभी तो, एक कट्टे में बांध के और रख रखे हैं, वेली खा दी तो भाई संभालने मुश्किल हो जाएंगे। सुबह की सारी ज़रूरी प्रक्रिया पूरी करके अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रिया पे चलते हैं, वो क्या है खाने की। अभी मम्मी पोछा लगा दी फटाफट और फटाफट से खाना बनाएगी। मैं फटाफट से नहा के आती हूँ और फिर फटाफट खाना खाएंगे, ज़्यादा फटाफट होगा बट इट्स ओके। जल्दी जल्दी काम करते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी है भाई। वैसे काम तो मैंने कुछ नहीं किया पर फिर भी यार बहुत थक गए, बहुत भूख लगी है। चलो फटाफट से अब काम कर लेते हैं। ओके अब ज़्यादा फटाफट नहीं, बस हो गया। तो भाई आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी बर्थडे की ड्रेस कैसे लेके आई हूँ, ठीक है। और काना की भी कल शॉपिंग करके लाए थे तो वो भी आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये हर बर्थडे कब वो तो बता दे। मेरा बर्थडे है भाई 21 मार्च को, अभी 3 दिन 2 दिन बाद ही। 2 दिन बाद ही, हाँ दूसरे दिन तो है ही, हाँ दो कल दिन, कल का दिन है ना। कल का दिन है लास्ट, तो 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है 21 मार्च को। और अब मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ, पहले अभी छाए की देख लो। छाए की पिंक कलर की ड्रेस लेके आई है, फ्रॉक है और
उसके ऊपर से ये जैकेट है, ये ऐसी आएगी। तो दीदी जल्दी बता दे गोवा कब लेके जा रही है मुझे। ये जैकेट ऐसी आएगी और इसमें ये ऐसे बन जाएगा इधर की तरफ। बहुत प्यारी ड्रेस है, बहुत प्यारा कलर है इसका, ये देखो। उसके बाद अब मैं आपको अपनी ड्रेस दिखाती हूँ, ठीक है। मेरी भी सेम ऐसी है, तो हमने क्या सोचा है कि ना हमें ना सेम सेम ड्रेस पहनेंगे। तो ये देखो, ये मेरी ड्रेस है, ये मतलब फ्रॉक सूट टाइप है, ये देखो भाई। इसको ऐसा ही चाहिए था, प्लेन सिंपल, सिंपल सोबर प्लेन ऐसा चाहिए था। और ये इसकी चुन्नी है, दुपट्टा है इसका, ये ऑर्गेंजा में इसका दुपट्टा है, सेंदा थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा रहता है इसको। ये देखो ये कौन गंदा नहीं, ऑर्गेंजा बोलूं थी, ये ऐसा है कुछ। हाँ, पूरा लॉन्ग ऐसा है इसमें। अब मतलब अभी तो इतना पता नहीं चलेगा, जब डाल लेके तैयार होगी ना तो उस हिसाब से पता चलेगा भाई कैसा लुक आता है। इसके साथ मैं लेके आई थी ये स्लीपर, ये चप्पल लेके आई थी मैं, ये कोल्हापुरी चप्पल है, ये देखो। क्योंकि भाई इसको हील की तो जरूरत नहीं है, मतलब अच्छी खासी हाइट है इसकी, तो इसको फ्लैट में ही चाहिए थी, ये देखो। और ये इसमें कंट्रास्ट में बहुत अच्छी जाएगी, इसमें पिंक पिंक फ्लावर्स भी और ये ऐसा ही है ना, तो अच्छा लग रहा है इस पे। इसमें मिरर से भी लगे हुए है ना, स्टोन वर्क और कढ़ाई है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने सोचा ले लेते हैं। अब भाई बारी आती है काना की ड्रेस की, जो मैंने कल काना की शॉपिंग करी। काना की शॉपिंग देखो भाई, सबसे पहले भाई मैं ये बाल लेके आई थी, क्योंकि ना जो काना के पहले वाले बाल थे ना वो ना मुकुट पहना के ना खराब हो गए थे, तो मैं ये नए बाल लेके आई हूँ। देखो ये जब लगेंगे ना तब अच्छे से पता चलेगा, अब इतने ढंग से पता नहीं चलेगा इसका। इसको मैं वापस पन्नी में डाल दूँ क्योंकि बाल ना ऐसे होते हैं। लेके आई हूँ ये मुकुट, क्योंकि इसका जो पहले वाला था ना बहुत बड़ा मुकुट था, भारी रहता था, तो इसलिए मैं ये छोटा वाला ले आई हूँ ताकि डेली पहन सके। ब्लू कलर का है, हर ड्रेस पे चल जाएगा। उसके बाद देखो सबसे पहले एक ये ड्रेस है, दो ड्रेस है इसके अंदर। सबसे पहले तो देखो ब्लू वाली, देखो आप इससे मैचिंग की ये ब्लू ड्रेस लेके आई है, कि मतलब गर्मियों के हिसाब से ना तो ज़्यादा हैवी है और एकदम हल्की सी प्यारी सी प्लेन भी। ये देखो इस पर चल जाएगा ये मुकुट, ठीक है। उसके बाद है एक ये ब्लू वाली, डार्क ब्लू में है ये, आजकल बहुत अच्छा ट्रेंड में चल रहा है, मोर वाला है ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये वाला मुकुट, इसमें भी कंट्रास्ट में चल जाएगा। उसके बाद मैं लेके आई हूँ ये, एक इस पे लिखा हुआ है राधेश्याम, बहुत प्यारी ड्रेस है ये देखो, यहाँ पे पूरे पे राधेश्याम लिखा हुआ है और इधर की तरफ आगे मोर पंख है, और ये इस पे भी चल जाएगा। उसके बाद देखो मैं अपने, अब मैंने क्या सोचा, मैं अपनी ड्रेस से मैचिंग, जैसे मैं छाया पहन रहे वैसे एक काने की लेके आती हूँ, तो मैं ये देखो इतनी प्यारी सी ये लेके आई हूँ, इस पे भी कंट्रास्ट में चल जाएगा, बहुत प्यारा लगेगा। वैसे भी पिंक मुकुट है हमारे पास, पिंक ना, भी है, पिंक भी है, ये देखो कितनी प्यारी ड्रेस, एकदम बिल्कुल मेरी ड्रेस से मैचिंग, ये देखो मेरी भी मैच हो रही है, सबकी मैच हो रही है इससे, कितना प्यारा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं। तो भाई ये थी काना की शॉपिंग। हाँ। कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट में बताना सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी लगी आपने। हाँ। देखो व्हाइट, पिंक, लाइट ब्लू या फिर डार्क ब्लू, कमेंट में बतानी है आपने। ओके, सबसे ज्यादा जोन सी अच्छी लगी आपको भाई? मुझे तो ना ये वाली कलर मतलब बहुत अट्रैक्टिव सा लग रहा है, और ये भी अच्छी लग रही है, मतलब अच्छी दोनों है, लेकिन ये कलर मुझे ना बहुत प्यारा लग रहा है ये वाला। ये वाली ये आजकल ना मैंने देखी थी ट्रेंड में, मैंने ना मतलब बहुत उसमें देखी, ऑनलाइन भी देखी तो बहुत उसमें, और ये देखो इसे पीछे राधेश्याम लिखा है ना, बहुत प्यारी लग रही है, ये सिर्फ पूरे सीक्वेंस का वर्क है, तो चमक चमक अच्छी लग रही है एकदम, सारी एकदम लाइट वेट और हल्की है, कोई भी ज्यादा ऐसी नहीं, गर्मियों के हिसाब से सारी बहुत अच्छी है ताकि कम्फर्टेबल रहे, क्योंकि ज्यादा हैवी पहना देते हैं ना फिर दिक्कत रहती है, बाद में अनकंफर्टेबल रहते हैं। अब कौन करना, बहुत सारी शॉपिंग हो गई है। हाँ, चार ड्रेस ही आ गई है, चार ड्रेस ले आए हम, तो आपने बतानी कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी लगी आपको इनमें से। अब भाई टाइम मैगी 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 तू बोल ले 3:30-4 बजे का टाइम सा हो रहा है, अब लगी भूख, और गोलू कह रहे मैगी बना दो, तो हम बनाएंगे अभी मैगी। टमाटर फिलहाल खत्म हो चुके थे, शाम को मंडी जाएंगे तब सब्जी लेंगे। फिलहाल प्याज डालेंगे हम, ये हमने पैन चढ़ा दिया, तो अभी हम इसमें तड़का लगाएंगे। बिना आज बिना ऑयल के ट्राई करेंगे बनाने की, मैंने जीरो ऑयल कुकिंग देखी थी, वही ट्राई करेंगे अभी, और देखते कैसे नॉन स्टिक है, बन जाएगा क्या पता।
ये देखो मसाला शेफ, ओ सॉरी मसाला शेफ मास्टर शेफ, मसाले डाल रही थी ना तो मैं मसाला शेफ, मास्टर शेफ। ये देखो बना रही है मैगी। मेरा यार पता नहीं क्या, कुछ खाने का मन ही नहीं करता, पर इतनी स्वादिष्ट दिख रही है तो खा लेंगे थोड़ी सी। खड़ा हो गया चौक भाई। वैसे मटर तो पहले ही चौक में डालनी थी, पकानी थी, लेकिन हम भूल चुके हैं। फ्रिज में टटोलने के बाद हमें मटर मिली, जब हमारी मैगी आधी पकी हो गई, उसके बाद हम अभी हम मटर डाल देंगे। ज्यादा पका लेंगे अब इसको, हम इसी में डाल देते हैं, कुछ तो हो जाएगी, बॉईल हो जाएगी पानी में। हमारे घर में कुछ और हो ना हो, मटर का स्टॉक जरूर रहता है। कभी भी देख रहे ना, फ्रिज में मटर जरूर मिलेगी, वो भी ऐसी नहीं छिली हुई रखी मिलेगी हमेशा। मैगी में या फिर कभी कुछ और बना लिया उसमें, हमेशा ऐसी हम साफ सफाई कर देगी मम्मी करते अपने फैलाए और रायते को अब साफ करेंगे। देखो भाई हमारी मैगी बन के तैयार हो चुकी है, और हमें एक ही प्लेट में गल है। एक प्लेट में खाने से दो फायदे हैं, एक तो बर्तन नहीं कम गंदे होंगे, हाँ, और दूसरा प्यार बढ़ता आपस में। प्यार नहीं बढ़ता, ज्यादा ज्यादा खाई जा सकती है, फटाफट फटाफट गप चा लेंगे। अभी देखना छाया तो बोलेगी, मेरे को तो दो फायदे लगते हैं, बर्तन भी ज्यादा नहीं होंगे, तो इसलिए हम तीनों मम्मी बेटी एक ही में खा लेंगे। आप सब भी खा लो, जिसको खानी अपने घर में बना के कूरियर करवा देंगे, एड्रेस बता देना। ये दबा बोलते हुए गोलू फूक मार के खाना देगी किसी की, अब तो फटाफट गप चाएगी कैसे। चलो मैं भी खा लेती हूँ, इतना कदम मैं वीडियो बनाती रह जाऊं और ये खा जावे। मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, वैसे थोड़ी बहुत खाऊंगी मैं ने। अब उसके बाद बना ली हमने चाय, अब चाय पियेंगे। पता नहीं कुछ ऐसा मैगी हो या कुछ ऐसा खा के ना, मेरे को चाय का बहुत मन करता है, और वैसे भी चाय का टाइम तो हो ही रहा है। देखो कुछ लोगों को होता है कि भाई मैगी कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा कोल्ड ड्रिंक, बर्गर कोल्ड ड्रिंक, सब चीज कोल्ड ड्रिंक के साथ, बस तो रोटी भी कोल्ड ड्रिंक के साथ खा ले, पर हमारा ऐसा है हमें कोल्ड ड्रिंक की जगह चाय चाहिए होती है। मैगी चाय, पिज्जा चाय, बर्गर चाय, चाय एक ऐसी थिंग है जो कोल्ड ड्रिंक को रिप्लेस कर सकती है, और मुझे लगता है कोल्ड ड्रिंक से तो कोई बेहतर है, बेहतर है। वो तो कार्बोनेटेड वाटर ही तो है, जिसमें दूध भी है, चीनी भी है, अदरक भी है, कितने फायदे तो नहीं। और भाई मेरी चाय कहाँ रखी, अच्छा उधर रखी मेरी चाय। तो देखिए मशरूम नहीं, इस को देखिए बिचारी का क्या हाल हो रखा है। भाई हमें एक बच्ची मिली थी, इसका नाम सुशीला है, सुशीला नाम है इसका। ये बिचारी, इसके बुरे हाल देखो, इसकी जुराब फटी हुई है, इसकी शक्ल देखिए, इसके बालों की भी कंडीशन कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। इसने अपने बालों में वो मकड़ी के जाले थे, हाँ। मकड़ी वो हमने हटाई है अभी, और ये इसके बालों की कंडीशन है। इधर से गंजी है गंजी देख सकते हैं, हमने करी थी शादी नहीं, यहाँ पे ये पूरी गंजी है, इधर से ये देखिए। तो अब हमने इसका मेकओवर करना है, तो मिलते हैं आपको इसके मेकओवर के बाद। थे इनका कलर निकले का डाउट था, थोड़े महंगे वाले थे इसलिए मैंने हाथ धो दिए, कि ब्लैक है और एक रेड है। ये सूखा मैं मशीन में रही हूँ, क्योंकि वैसे सुखाती हूँ ना तो अलग से ऐसे दाग से रह जाते हैं, कलर निकलता है ना, सो कलर तो निकलता ही है, थोड़ा डार्क कलर थे, हाथ भी रेड रेड हो गए। तो वह सूखने के बाद देखती हूँ कितना क्या कलर गया इनका। अगर किसी का छुट्टियों में बच्चों का टाइम पास नहीं हो रहा है ना, तो ऐसे करें। डोल भाई इन्होंने ऐसे फेंक रखी थी कहीं कबाड़ में मतलब, लेकिन आज ये उठाई, इसको नहला दिया, धुला दिया, शैम्पू से बाल धोए इसके, अभी इसको लग रही है तैयार करने, कपड़े भी गोलू के पहना दिए इसको तो ऐसे टाइम पास कर लिया भाई अक्सु तो भाई और क्या करूं आज, ये डोल से खेलेगी देखना इतनी बड़ी हो गया बचपना दिल में होना चाहिए, बच्ची तो खराबी भी है। देखो भाई डोल ऐसे नानू के कितनी क्यूट लग रही है, देखो सुंदर लग रही है। और ये इसको भाई ये बच्चे तो बड़े परेशान कर रहे हैं, बैल बजा बजा के भाग गए हैं।
अरे मुंडी इधर कैसे घुमा रहे, किसके सही कर मुंडी इधर देख। हाँ अभी इसका मैंने हेयर स्टाइल वगैरह सब करना है, अभी तो ड्रेस भी करेगी इसके सही, ड्रेस भी सही करनी है। देखो बिल्कुल चमक गई है। हाँ ब्रश गया धो धो कर भाई। मेरी दीदी का ना लड़का आया हुआ था और उसने ना जिसका हाल मचाया है ना इसके मुंह का, तो मैंने आज ब्रश से रगड़ रगड़ के साफ किया, पूरा मेकअप कर दिया था इसका। मैं बना रही हूँ आज भाई नमकीन दलिया, तो ये दलिया मैंने धो लिया है। इधर आलू काट लिए, मटर और टमाटर धनिया, और इसमें मैं डालूंगी काली मिर्च। अब इधर मैं कुकर चढ़ा दिया है,